पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुर्खी से कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू का प्रचार करने पहुंचे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को बड़ा एक्टर बताया। सुर्खी में कांग्रेस से बीजेपी में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से पारुल की सीधी टक्कर है। पारुल पहले भी एक बार गोविंद सिंह को चुनाव हरा चुकी हैं। 35 साल बाद सागर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनकी जवानी याद आ गई। कमलनाथ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई पारुल साहू का प्रचार करने पहुंचे थे। सुर्खी विधानसभा में बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत का पारुल साहू से कड़ा मुकाबला है। हालांकि यहां दोनों प्रमुख दलों के उम्मीदवार अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं। धिक्कार और गद्दार जैसे मसले यहां कोई मायने नहीं रखते। पारुल साहू का प्रचार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज को एक अच्छा एक्टर बताया। कमलनाथ ने कहा, शिवराज अगर मुंबई जाकर एक्टिंग करें तो शाहरुख सलमान भी शर्मा जाएंगे। वे कम से कम एक्टिंग में तो मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर देंगे। ये मत सोचिएगा आप जवान नहीं हो, आज भी जवान हूँ और आज यहाँ आकर मुझे वही जवानी याद आती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 35 साल बाद मैं जैसी नगर आ रहा हूँ। आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। कहते मैं किसान का बेटा हूँ, कभी कहते मैं मामा हूँ। ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। कुछ शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी, 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने कर डाली थी, और अभी वही पहुंच जाते हैं फिर से घोषणा कर देते। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।